सर आप छोटू आप हमारे बड़े भैया उनकी तरफ से हमारे नसीर के खुश काम पर खुश होकर ये 10 रुपये हाथों हाथ दिए कंपनी की तरफ से धन्यवाद। काम तुझको आज करना पड़ेगा पता नहीं
इस चीज में खोसर कर ये 51 रुपया अपने आप आपको हाथों हाथ दे रहे कंप्यूटर से। धन्यवाद मालिक। अब मैं क्या करूं और कैसे मैं जूतों में पॉलिश करूंगा और कैसे कपड़े धुलूंगा और कैसे दूध गरम और करम की रेखा ना डाले कोई करम में ब्रह्मा चाहते हैं। हाँ बहुत मैं सहारा लेकर आई हूँ साहब। मैं आपके पास आई हूँ, मुझे आप मुझे जो चीजें वो दिलाएंगे। बोलो कितनी किस मुसीबत की मारी हो। परिया साजा ले करके तुम्हारे पास आए हो, तुम्हारे पास आए आज हो, मदद करे देश मेरे साहेब यही फरियाद लाई हो। मेरा नाम पूनम है और मैं मेरठ शहर की रहने वाली हूँ। मेरे चेची छबरचट्टी मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे और मैं आपके पास आई हूँ। मुझे इंसाफ दिलाइए साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए। नहीं इस तरह से करो आहटा।
हमारी बेटी बन करके हमारे महलों में रहोगी, आज जब तक तुम्हारा सौहार नहीं मिल जाएगा तब तक हमारे महल से वापस नहीं आएगी। आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया। हाँ। ये उपकार यह ऐसा उम्र भर नहीं चुका पाऊंगी। ठीक है सर, आइए बादशाह चलिए। ठीक है, वाह ऊपर वाले आज इतनी मदद की, मैं तो समझती थी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। पवन तुम कब आओगे? आए दिल ताका से लाओ, तेरी याद जो भुला चाहिए, क्योंकि मेरी पूनम और मेरी किरण परेशान होगी। मैं आ रहा हूं मेरी बहन, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। चमनलाल, हमारे हवेली के नौकर। ओहो, अरे तू कहाँ है मेरे दिल रात के चाहने वाले, मेरी आंखों मेरे आका को सजाने। बहुत बहुत श्यामलाल जी, भैया हर दिन मैं आता था, अब मेरे भाई मुझसे बात किया करते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है बड़े भैया मुझसे मुंह फेर के बैठे हुए हैं। सही भैया, भैया और हुआ उदास क्यों चेहरा, बता दीजिए मेरे भैया। पवन क्या बात है, तू कितना झूठ बोलता है। हाँ, लेकिन किस लिए मैं झूठ बोलता हूँ, क्या बात है आखिर? चमनलाल तो बता रहा था, क्या बता? किरण और पूनम और तू साथ में शहर बरेली के लिए गए, और तू मुझसे पूछ रहा है किरण और पूनम कहाँ है। हाँ, हाँ? मैं मानता हूँ कि मेरे साथ वो लोग स्टेशन तक गए थे, लेकिन वो वापस चले आए थे मेरे भाई। और मुझे बताओ कि मेरी बहन किरण और मेरी पूनम कहाँ है, कहाँ?
बताओ। झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ बोलता है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पवन क्या? पवन सिंह निकला तू का टाइप। आप कैसी उल्टी सीधी बातें करते हो? किरण और मैं पूनम को तो घर में छोड़ के गया था, जिसकी आपको जिम्मेदारी में सौंप के गया था, लेकिन क्या बात है तुम मुझसे उल्टे के पूछ रहे हो? मैं झूठ बोलता हूँ भैया। हाँ। आखिर मेरी